अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटल साइड। आज हम परसेंटेज की बाउंड्री से विन करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब क्या है, दो नंबर से ए और बी सम क्या है, ये सम है। ठीक है, सम उनका किस तरह से है कि 5% ऑफ ए है वो एड हो रहा है 4% ऑफ बी से, और वो किसके इक्वल है, 2/3, 2/3 ऑफ सम। ठीक है, और किसका सम, 6% ऑफ ए 8% ऑफ बी का। फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ ए बी, रेशियो ऑफ ए टू बी। इस तरह से लिखें इसको, इस तरह से लिखें, या फिर इसको ए अपॉन बी के तरीके से लिखिए, एक ही बात। अच्छा, इसका नॉर्मली फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन के हिसाब से इसको इस तरह से फ्रेम किया है कि इस तरह से इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। ये पर्सन ऑफ ए, या फिर कहते हैं फर्स्ट नंबर प्लस पर्सन ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है, कितना पर्सन है वो मतलब क्वेश्चन में हिसाब से दिया हुआ होगा, और टाइम्स मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ सम, तो 2/3 हो, फिर 1/4 हो, या फिर जो भी हो, फिर उनका सम क्या है, परसेंट जो भी ए का दिया हुआ हो उसके बाद, उसके बाद जो भी परसेंट बी का दिया हुआ, उस हिसाब से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अब कर लेते हैं हम लोग। सेम वही चीज़ जो हमने गिवन में लिखी थी वो लिखती है यहाँ पे, या फिर ये कहेंगे फॉर्मूले में परसेंट की जगह 5% लिख दिया है और सारा कुछ कर दिया है। ठीक है, परसेंट को यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, सब में इस तरह से होगा। बी फाइव टू जा 10 और ये 0, तो ये बना 20 हो गया। ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 सेम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 चला गया और यहाँ पे 5, तो ये 1/25 हो गया। इसी तरीके से 3 2 3 जा 6 हो जाएगा एंड 2 5 जा 10 0, ये हो गया। अब इसका भी इसी तरीके से 2 2 जा 4, ये हो गया 5 0, 2 2 जा 4, और इसी तरीके से ये 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 25। ठीक है, ये आ गया। अब हम इस वाले जो है ना, इस वाले इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया है, और 3 × 50 ये लिख दिया है, इंटू ए सेम है प्लस यही सेम इससे भी करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, तो मतलब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ पे भी आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। अब ये 3 इससे 3 से कैंसिल हो सकता है, वो हमने कर दिया, बाकी सेम लगती है पर 2, और ये 5 50 सेम, 2 2 जा 4, 25 × 3 जो है ना वो 75 होता है, लेकिन 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, ये 7, ये आ गया। ठीक है, अब जो है ना 2 1 जा 2, ये 50, 2 2 जा 4, यहाँ 1 एंड 2 5 जा 10, बस ये इसमें इस हिस्से में ये एक सॉल्व किया, तो 1/25 हो जाएगा। अब ये देखें इसको, बस यहाँ पे हमने a इंटू 1, तो a b इंटू 1 इस तरह से अरेंज करके हमने ये लिख दिया, इसी तरीके से 4 × b और ये सारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है ना, हम ए वाले जो वैल्यूज है वो भेजेंगे एक साइड पे, बी वाले दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे ये ए ये हो रहा है प्लस, तो इस साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इस तरीके से यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरीके से किया है हमने। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 20 25, तो ये हो जाएगा 0 25 2 50, तो ये हो गया 500, ये हो गया। अब 500 इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 25, 500 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 0 कट, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 1, तो ये 25 यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 आंसर, 500, ये 25, 5 5 25, 100, 5 2 20, 20। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5
ए और 5A डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना होगा, 5 × 5, 5 × 5 और ये 2 0, तो ये हो गया टोटल A/100। ठीक है, इसी तरीके से इनका एलसीएम आपस में निकाला, तो ये बड़ी वाली वैल्यू है ना, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। इन दोनों पे आपस में टेबल लग रहा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इसको, और ये सेम रहेगा क्योंकि ये इसकी पूरी वैल्यू हमने उठा ली है। तो 4B लिख देंगे माइनस 75, और इसमें से 3 टाइम लगते हैं ना, 25 और 75, ये देखिए 25, अगर इनको आपस में डिवाइड करते तो 25 जो है 25, 25, 3 × 75, तो ये हमने जो है यहाँ पे लिख दिया। 3B हो गया यहाँ माइनस से में, तो ये हो गया B/25। अब ये जो है ना, हम यहाँ पे ये B इसको यहाँ पे करते हैं क्योंकि हमें A/B फाइंड करना है, और 100 को यहाँ, अब इनको जो है आपस में डिवाइड कर दिया है, 5 2 10, ये 0, ये 5 1 5, ये 2, यहाँ पे हो गया 1 और ये 5, ठीक है, 5 4 20 और ये 5 3 50, तो 4/5। तो ये हमारा है आंसर कि A/B जो है वो है 4:1, फोर सॉरी 4:3 है ये, ठीक है, 4:3 या ये होगा, ठीक है आंसर। तो ये A की वैल्यू क्या है, 4, B की वैल्यू है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।